मुल्तानी मिट्टी के इस नेचुरल फेस पैक के जरिए पाएं चमकदार और कुदरती जिल्द, वो भी सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। अगर आप भी चाहती हैं नेचुरल ग्लो और चमकदार जिल्द, तो मुल्तानी मिट्टी का ये फेस पैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ अपनी स्किन को खूबसूरत और वाइट बना सकती हैं, वो भी बगैर किसी दाग धब्बे के अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकती हैं। अगर आप स्किन पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, डलनेस है, तो वो तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं इस एक फेस पैक के इस्तेमाल से। तो आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे तो विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो मुल्तानी मिट्टी जो है वो समर के लिए होती है, लेकिन नहीं, आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप विंटर में इस मुल्तानी मिट्टी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपने सबसे पहले 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो मुल्तानी मिट्टी का ऐड कर लेना है। मुल्तानी मिट्टी आप किसी भी कंपनी की ले सकती हैं। मुल्तानी मिट्टी में ऐसी चीज़ शामिल करेंगे जिससे हमारी जो ड्राइनेस होगी वो टोटली ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे शुगर, यानी चीनी। आपने इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है। शुगर जो है वो हमारी स्किन पर स्क्रबिंग का काम करेगी, हमारी स्किन पर जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेगी। और उसके बाद हमने 1 चुटकी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर इसमें ऐड करना है। हल्दी भी एंटी बैक्टीरियल होती है जो हमारी स्किन को खूबसूरत और वाइट बनाती है, दाग धब्बों को ख़त्म करती है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़त्म करती है। और उसके बाद जो है वो इस स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए जो है वो यहाँ पे हम एलोवेरा जेल इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अदरवाइज आप मार्केट वाली ही इस्तेमाल करें। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारी जो ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए जो हमने मेन चीज़ इसमें शामिल करनी है वो है रोगने बादाम, यानी रोगने बादाम आपने इसमें ऐड करना है। 2 से 3 कतरे आपने इसमें लाजमी ऐड करने हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस स्किन है तो आपने इसका 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपने इसके चंद ड्रॉप्स ही इसमें ऐड करने हैं। और उसके बाद हमने इसका रोज़ वाटर से इसका पेस्ट बना लेना है, बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। अगर आपको रोज़ वाटर सूट करता है तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। रॉ मिल्क भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप दही भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है, आप इनमें से जो आपको सूट करता हो आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए जो है वो यहाँ पे मैं एक एग वाइट का वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ये सूट करता है तो आप इसमें ऐड कर लें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। ये जो है वो हमारी स्किन पॉलिश बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये ऐसा समझ लें कि ये एक स्किन पॉलिश है जो हमारी स्किन को ब्लीच करेगी, हमारी स्किन पे जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेगी और दाग धब्बों को ख़त्म करेगी। जो भी पिगमेंटेशन है, डलनेस हो चुकी है, उसको रिमूव करेगी। अगर आप भी जो है वो किसी इवेंट में जाना चाहती हैं और आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो आप इस नेचुरल ब्लीच का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को खूबसूरत और वाइट बना सकती हैं। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने फेस पर, अपने नेक पर, हाथ पाँव पर भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जो हर घर में मौजूद होते हैं, हर घर के किचन में मौजूद होती हैं। अपने मुल्तानी मिट्टी आप किसी भी कंपनी की ले सकती हैं। अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको आपने अपने फेस पे, अपने नेक पे अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने अपने फेस को अच्छे से एक बार वॉश ज़रूर कर लेना है, ताकि आपकी स्किन पर जो भी धूल मिट्टी, एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो क्लीन हो जाए। उसके बाद आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये फुल ड्राई नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें आलमंड ऑयल यानी रोगने बादाम इसमें ऐड किया है, तो ये ड्राई नहीं होगा। आपने 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा रहने देना है, और इसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर आप इसके रिज़ल्ट देख सकती हैं, मेरे दोनों हाथों में डिफ्रेंस भी आप चेक कर सकती हैं। बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आपको इससे मिलेंगे। अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर लेती हैं, तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा खूबसूरत और स्पॉटलेस स्किन हो जाएगी कि आपको अपनी स्किन से प्यार ही हो जाएगा। आप इसको हफ्ते में 3 बार तो लाजमी इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 2 बार इस्तेमाल करें। ये रेमेडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और 100% वर्क करती है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।